करने के लिए शाम के वक्त। देखो समुद्र किले हैं और हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। ये जो बीच में साइड पे रोड साइड है वो नया रोड बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है इधर से जाने में, लेकिन रोड तो सही है। अच्छा, फिर भी हम लोग चले जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग निकल पड़े हैं और खुखरी मेमोरी साइड चक्रतीर्थ। ये देखो चक्रतीर्थ वाला एरिया है, वो सामने दिखाई देता है, चक्रतीर्थ टेम्पल और कुकरी। यहाँ रास्ते का कंस्ट्रक्शन चालू है, फिर भी हम लोग पहुँच चुके हैं चक्रतीर्थ और कुखरी मेमोरी। बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, और धीरे धीरे हम आगे निकल चुके हैं और हम लोग यहाँ टू व्हील पार्क में पहुँच चुके हैं। और हम लोगों ने वो गाड़ी में बैठने के लिए टिकट भी ले ली। हम टोटल 7 लोग हैं और पूरा आने जाने का 140 हुआ है। अच्छा है, thank you.
यहाँ बैठ के वोल्वो गाड़ी के इंतजार में है। वो अभी आएगी तो पूरे पूरे हम सात लोगों को लेके घुमाएगी, इसलिए यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी के राह। देखो हमारी वोल्वो गाड़ी भी आ गई और हम लोग सब गाड़ी में बैठ कर घुमाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो हमने आपको जैसे बोला था ये हम वैन में आ चुके हैं, हमारे फैमिली सब बैठे हुए हैं, जा रहे हैं हम। देखिए आप नजारा, देखिए हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बहुत मजा आता है बैठने में। देखो कितना नज़ारा दिखाई देता है शाम के वक्त। देखो सामने समुद्र किनारा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद जाएंगे सब लोग नीचे। अभी जाएंगे नीचे समुद्र के किनारे तक, लेकिन मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, ये सब लोग जाएंगे, मैं तो ऊपर ही रहूँगा क्योंकि थोड़ा पाँव में तकलीफ है इसलिए नहीं जा सकूँगा। सर में उतरने में तकलीफ होती है इसलिए मैं ऊपर ही रहता हूँ।
सब लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन समुद्र की लहरें देखो बड़ी बड़ी आ रही है। बादल कितने छाए हुए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद शायद बारिश आएगी, ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। Thank you.
निकल चुके हैं घर जाने के लिए अपनी अपनी गाड़ी पे।